हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। में हूं आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और आप चाहते हैं कि आप भी व्हाट्सअप फेसबुक पे किसी से इंग्लिश में चैट कर पाएँ, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी इंग्लिश में चैट कर पाएंगे। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड वगैरह, आपका कोई रिलेशन वाला होता है या कोई भी आपको इंग्लिश में चैट करता है, यानी कि इंग्लिश में कोई मैसेज वगैरह भेजता है आपके मैसेंजर पर या आपके व्हाट्सअप पर, तो आपको उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इससे हम बात किस तरह से करें। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी से भी इंग्लिश में चैट कर पाएंगे, उसकी इंग्लिश की चैट का जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इसे फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ आ जाए। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेबिलिटी सर्विस सेटिंग को आपको एनेबल करना होगा और ओके करेंगे, और एसेबिलिटी में उस एप्लीकेशन को यहाँ पर हमें सर्च करना होगा। डॉट ट्रांसलेटर के नाम से ये एप्लीकेशन है। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से इसकी परमिशन को मैं अलाउ कर देता हूँ। चलिए फिर से बैक लेते हैं। यहाँ पे आपको एनेबल वॉइस ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी को एनेबल रहने देना है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है दोस्तों, बस आपका काम हो चुका है। चलिए मैं बैक ले लेता हूँ, और चलिए अब मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका यूज आपको किस तरह से करना है। चलिए सिंपली हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, कोई भी एक चैट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं पर्सनल ग्रुप मेरा ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भी इंग्लिश में भेजना है तो आपको सिंपली हिंदी में सेंटेंस को बोलना होगा, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके कीबोर्ड में जो यहाँ पे नीचे की साइड में डॉट का ऑप्शन रहता है, आपको सिंपली डॉट वाले ऑप्शन पे टैप करना है, और इसके बाद में आपको अपना मैसेज बोल देना है। चलिए मैं इसको टैप करता हूँ, मैं कल कोटा जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी में बोला था कि कल मैं कोटा जाऊंगा, तो इसने ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट कर दिया है और इसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ पे कर दिया, आई विल गो टू कोटा टुमारो। तो इसी तरह से अब जो भी आप सेंटेंस हिंदी में बोलेंगे वो उसको ऑटोमेटिक ये इंग्लिश में ट्रांसफर कर देगा, और उसको फिर आप अपने फ्रेंड वगैरह को यहाँ से सेंड कर सकते हैं और उनके साथ इंग्लिश में आसानी से चैट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।